नमस्कार। प्रकृति में क्षमा का प्रावधान नहीं है। व्यक्ति ने अपने अनुरूप चलने का विधान रखना है। प्रकृति में क्षमा का प्रावधान नहीं है। प्रकृति ने अपने अनुरूप चलने का ज्ञान रखा है और नमस्कार। प्रकृति में क्षमा का प्रावधान नहीं है। प्रकृति अपने अनुरूप चलता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। जो इसका पालन करता है वही इसका लाभ लेता है और जो इसका उल्लंघन करता है वह दंड का भागीदार होता है। जैसे आप खेत में डाला जाता है और हमें खेत में बीज मिलती है, जैसे कर्म के आधार पर बीजारोपण होता है और हमें कार्य के रूप में फसल मिलती है। आइए देखते हैं, कर्मों के फल से ना बचोगे को एक लघु नाटिका के रूप में। शाबाश होशियार, कर्मदाता मुक्तिदाता महाराज यमराज पधारे। हम यम है हम और ये दोनों हमारे प्रिय दूत हैं, पोरुमल पोरुमल। और आप सभी तो उन्हें जानते ही होंगे। ये है हमारे प्रिय चित्रगुप्त। आपके सारे कर्मों का हिसाब इनके पास रहता है। आप क्या सोचते हैं, आप कोई कर्म करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। हम अभी भी कहते हैं सुधार लो अपने कर्मों को वरना हा। चित्रगुप्त जी महाराज, क्या हालचाल है तुम्हारे? हमारे हालचाल तो ठीक है। तुम्हारे हालचाल तो ठीक है, परंतु पृथ्वी लोक के क्या हालचाल है? अभी देखता हूँ महाराज। ये क्या महाराज, क्या हुआ? तुम इतने चौंक क्यों गए? घोर अंधकार महाराज, घोर अंधकार। अंधकार? कैसा अंधकार? हमारे होते हुए कैसा अंधकार? ये देखिए। अरे तुम चिंतित मत हो चित्रगुप्त, अभी हम हमारे दूतों को भेजते हैं और इस समस्या का समाधान निकालते हैं। दूतों जी महाराज, जाओ भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जो आपकी आज्ञा महाराज। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा क्योंकि ये दोनों हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज, क्या यही है ना वह व्यक्ति? जी महाराज। क्या आप सभी जानते हैं यह वह व्यक्ति है जिसने पृथ्वी लोक पर रहकर खूब भ्रष्टाचार करा? दो जी महाराज, वह इसके शरीर पर कीड़े छोड़ दो। आपकी आज्ञा महाराज। जी महाराज, इसके कर्मों को देखो और हमें बताओ इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए। जो आपकी आज्ञा महाराज। महाराज इसके कर्म देखकर तो यह लगता है कि इसको अगले जन्म में गधा बनाया जाए। तुम्हारा कहना सही है चित्रगुप्त, हम इसे गधा ही बनाएंगे। क्या आप सभी को पता है हम इसे गधा क्यों बना रहे हैं? ताकि ये मेहनत करके अपना पेट भर सके। कमंडल, मेरा कमंडल कहाँ गया? ये लीजिए महाराज। तुम मेरा कमंडल क्यों ले लेते हो? चलो महाराज। ओम भीम भीम भट्ट बैल बन जा। उठी कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो, खून खराबा लो मचा लो।
जी महाराज, क्या पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य आराम से सो तो रहे हैं ना? नहीं महाराज। भला क्यों? महाराज, चोरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि चैन से सोने नहीं देते। अच्छा, तो ये सब भी हो रहा है पृथ्वी लोक पर? भूतो। जी महाराज। जाओ उस चोर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जो आपकी आज्ञा महाराज। ये कौन आएगा? क्योंकि तुम यमलोक में हो। चित्रुप। जी महाराज। क्या यही है ना वह व्यक्ति? जी महाराज। क्या आप सभी जानते हैं यह वह व्यक्ति है जिसने पृथ्वी लोक पर रहकर चोरी की, डाका डाला और मेहनत से मुंह फेर लिया? भूतो। जी महाराज। जा इसके शरीर पर पत्थर बांधकर खून की नदी में बहा दो। जो आपकी आज्ञा महाराज। चित्रुप। जी महाराज। इसके कर्मों को देखो और हमें बताओ इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए। जो आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, इसके कर्म देखकर तो यह लगता है कि इसको अगले जन्म में बैल बनाया जाए। तुम्हारा कहना सही है चित्रुप, हम इसे बैल ही बनाएंगे। ये लीजिए महाराज। शाबाश, हम भी मिनभट बैल बन जा। ईश्वर को धोखा देता है, सज्जनता का वेश बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है, किंतु कर्म फल की गहराई मूर्ख समझ नहीं पा। जी महाराज। क्या पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्यों का इलाज तो ठीक ढंग से हो रहा है ना? नहीं महाराज। भला क्यों? पृथ्वी लोक पर चोरों और हकीम डॉक्टर और हकीमों ने सारी हदें पार कर दी हैं। गरीबों से लाखों रुपए लेकर उन्हें पागल बनाया जा रहा है। अच्छा, तो ये सब भी हो रहा है पृथ्वी लोक पर? अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चित्रगुप्त, क्योंकि अब तो चिंता उन्हें करनी चाहिए जो ये घोर अपराध कर रहे हैं। भूतो। महाराज, वो उनकी छुट्टी का समय हो गया था इसलिए वो गए। मेरा आदेश है उन्हें तुरंत बुलाया जाए। जो आपकी आज्ञा महाराज। दूध तोड़ू मल, दूध फोड़ू मल, हाजिर हो। भूतो, दुनिया में जब तक क्राइम होगा, दुनिया में जब तक क्राइम होगा, हमारा वर्किंग पीरियड ओवर टाइम होगा। जॉर्ज लालच को डॉक्टर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जो आपकी आज्ञा महाराज। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, ये सब तुम्हें गलत कार्यों को करने से पहले सोचना चाहिए था। चित्रगुप्त। जी महाराज। क्या यही है ना वह व्यक्ति? जी महाराज। भूतो। माइक हाथ। भूतो। जी महाराज। जाओ और इसके शरीर को फाड़ कर इसमें भूसा भर दो, जो उसको जलाकर राख कर डालो। जो आपकी आज्ञा महाराज। बचाओ, बचाओ।
चित्रगुप्त जी महाराज, इसके कंधों को देखो और हमें बताओ इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए। जो आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, इसके कर्म देखकर तो यह लगता है जैसे इसने गरीबों के अंग का व्यापार किया है वैसे ही इसे अगले जन्म में अंगहीन बनाया। तुम्हारा कहना सही है चित्रगुप्त, हम इसे अंगहीन ही बनाएंगे। भूत मेरा कमंडल लाओ। भीम भीम भट्ट, अंगहीन मनुष्य बन जा। चित्रगुप्त जी महाराज, क्या पृथ्वी लोक पर इनके और इनके जैसे और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए कोई नहीं है? है, लेकिन परंतु वो भी भ्रष्ट है। अच्छा, जिनको हमने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के रखा है वो खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भूतो जी महाराज, जाओ और इनको पकड़कर हमारे पास ले आओ। जो आपकी आज्ञा महाराज। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा क्योंकि ये दोनों हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज, क्या यही है ना वह व्यक्ति? जी महाराज, इसके कर्मों को देखो और हमें बताओ इसे क्या सजा देनी चाहिए। जो आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, इसके कर्म देखकर तो यह लगता है कि इसको आग में जलाकर राख कर देना चाहिए। तुम्हारा कहना सही है चित्रगुप्त, भूतो जा इसको जलाकर राख कर डालो। आपकी आज्ञा महाराज। चित्रगुप्त जी महाराज, इसके कर्मों को दोबारा देखो और हमें बताओ इसे अगले जन्म में क्या बनाया जाए। जो आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, इसके कर्म देखकर तो यह लगता है कि इसको अगले जन्म में भिखारी बनाया जाए। तुम्हारा कहना सही है चित्रगुप्त, हम इसे भिखारी ही बनाएंगे। ओम भीम मीन भट्ट, भिखारी बन जा। अल्लाह के नाम पे दे दो 150, दे दो अल्लाह के नाम पे। क्या तुम मुझे ये दे रहे हो? ये पकड़ो अपना पैसा, ये लो मुझसे ले लो, तुम मुझसे बड़े तुम दिखा रही हो, ये लो। तुम दो माया में खोया है। इन 24 घंटों में से एक घंटा अच्छे कार्यों में लगा, जैसे परिवार को संसारी बना, ईश्वर का ध्यान कर। तू कितनी भाग दौड़ करता है, तू क्यों इस मनुष्य की तरह अपना जीवन नहीं संवारता? भूतो जा सत्यवान मनुष्य को लेकर हमारे पास ले आओ। जो आपकी आज्ञा महाराज। आइए मुझे कहाँ ले जा रहे हो? महान व्यक्ति, हम आपको महाराज यमराज के पास ले जा रहे हैं। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भवा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपने अपने जीवन का सही उपयोग करा, अच्छे कार्यों में लगाया, इसलिए हम आपको स्वर्ग का सुख प्रदान कर रहे हैं। नहीं महाराज, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मैं इस धरती पर रहकर इन मनुष्यों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे ये कैसी मूर्खता कर रहे हैं, हम आपको स्वर्ग का सुख दे रहे हैं और आप हैं कि मानते ही नहीं। नहीं महाराज, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। तो देखा आपने, ये है सच्चा परिवर्तन। आप कहते हैं गंगा नहा लेंगे, यज्ञ कर्म कर लेंगे, तो ये सब का तो सिर्फ ध्यान कर रखा जाता है। परिवर्तन करना है तो अपने जीवन में करिए, क्योंकि कर्मों के फल से स्वयं भगवान भी नहीं बचे। भगवान से ज्यादा तो कर्म को लड़िए, एक बार भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन कर्म के पास न कागज है न किताब, फिर भी पूरे जग का हिसाब है। धन्यवाद धन्यवाद। एक बार